हेलो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं जीसी समस्तीपुर में और इसका हम कुछ रिव्यू देना चाहते हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कैसा अंदर का व्यू है। तो ये मेन गेट है अंदर जाने का, इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे वेटिंग एरिया है, प्रिंसिपल ऑफिस है और आगे आप लोग को दिखाते हैं। इधर जो मेन ऑफिस है वो एकेडमिक का जो काम होता है वो है, और इस साइड टिंग एरिया है, ये जनरल स्टोर है, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखा जाता है। और चलिए और आगे आप लोग को दिखाते हैं। तो ये टीपीओ ऑफिस है, फिलहाल अभी लॉक है, और यहाँ पे एकेडमिक ऑफिस है, कुछ काम वगैरह लैब वगैरह है, फिलहाल लैब अभी बंद है। तो देखिए, और यहाँ पे बायोमेट्रिक भी लगता है, ये मशीन लैब है, फिलहाल अभी बंद है। और ये बायोमेट्रिक है और आगे चलते हैं हम लोग। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह का व्यू है यहाँ का। तो ये देखिए यहाँ का पूरा बिल्डिंग दिख रहा है, तो और आगे चलते हैं, फिलहाल आप लोग को दिखाते हैं। इस साइड भी लैब है और ये कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया है, और ये इधर सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, और ये बाहर का व्यू है, और इधर कुछ बच्चे हैं, चलिए इन लोग से बात करते हैं। चलिए हम कुछ बच्चों से यहाँ पे पूछते हैं क्या होने वाला है। तो चलिए, लड़का हमें मिला है, इससे पूछते हैं यहाँ पे किस चीज़ का भीड़ है। तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए भीड़ लगा हुआ है? प्रैक्टिकल एग्जाम का भीड़ है। किस चीज़ का प्रैक्टिकल है? ऑटोकैड का। तो प्रैक्टिस है? हाँ। ये मतलब क्वेश्चन वगैरह हुआ अभी तुमसे? एक नहीं हुआ है। हाँ, बना लिया। तो क्या क्या क्वेश्चन था कुछ बताओ? उसमें एक प्लान था और एक ब्रिक का स्ट्रक्चर था। चलो बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अभय कुमार। कौन सा ब्रांच है? सिविल। चलिए बहुत अच्छा। और इस साइड से सीढ़ी भी है ऊपर जाने के लिए, चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर में क्या क्या है आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग और इधर देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे लिफ्ट है आने के लिए ऊपर, और इस साइड से जो एकेडमिक ब्लॉक है, फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है आप लोग को दिखाते हैं। तो इधर लैब वगैरह है, ये माइक्रो प्रोसेसर लैब है, और आगे देखते हैं क्या है, आगे बाथरूम वगैरह भी है। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो ये अनिकेत है दोस्त, देखिए ये मेरा फ्रेंड है, और आगे दिखाते हैं आप लोग को इस साइड क्या है। यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, देख सकते हैं आप लोग को अंदर का व्यू दिखाते हैं, शायद अंदर अभी कुछ काम चल रहा है। तो चलिए, यहाँ पे एक मेरे सर हैं, रुपेश सर हैं। क्या क्या कर रहे हैं? तो इधर HOD ऑफिस है, और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे भाईवा भी चल रहा है शायद, देख सकते हैं आप लोग। तो इस साल शायद इस साइड ही ये लैब वगैरह है, और आगे दिखाते हैं आप लोग को। इधर से भी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, 3-4 रास्ते हैं ऊपर जाने का। ये पावर सिस्टम लैब है, और आगे चलते हैं हम लोग। ये टोटल बिल्डिंग 3 फ्लोर का है, और यहाँ पे भी पावर सिस्टम सेकंड लैब है, और आगे दिखाते हैं आप लोग को। ये आगे आप लोग कंट्रोल सिस्टम का लैब है, ये भी कंप्यूटर लैब है शायद। यहाँ पे काफ़ी सारे लैब हैं, सभी लैब उपलब्ध है यहाँ पे, और मशीन वगैरह भी उपलब्ध होगा। फिलहाल तो अभी गेट बंद है तो हम आप लोग को दिखा नहीं सकते हैं। ये एनालॉग लैब है, और आगे भी लैब, लैंग्वेज लैब भी है यहाँ पे उपलब्ध, और इस साइड भी ये शायद EGD लैब होगा,
यहाँ पे फिल्टर भी लगा हुआ है पानी पीने के लिए। उस साइड आगे भी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। और आगे दिखाते हैं आप लोग को इस साइड का व्यू। इस साइड केमिस्ट्री लैब है, इसके ऊपर भी लैब है, इसके ऊपर कुछ सारे बहुत सारे भी अभी हैं, अभी आप लोग को और दिखाते हैं। ये एग्जामिनेशन ऑफिस है। और आगे दिखाते हैं आप लोग, ये इन्वायरमेंटल लैब है। और आगे दिखाते हैं आप लोग को, इस साइड से भी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए शायद। और ये भी लैब 12। और इस साइड को दिखाते हैं आप लोगों को, तो यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी लैब है, इसमें मशीन वगैरह उपलब्ध है। तो आप लोग को अंदर का व्यू दिखा देते हैं थोड़ा। ये देख लीजिए, लैब वगैरह था, इसमें मशीन उपलब्ध था, ये लैब खुला हुआ था इसलिए आप लोग को दिखा दिए। और यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब है, इसमें भी मशीन वगैरह उपलब्ध है। और आगे चलते तो फिलहाल हम लोग सीढ़ियाँ से ऊपर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, सोनू कुमार, इसको देखिए, दिखाते हैं आप लोग को आगे कैसा है। ये इंजीनियरिंग मैकेनिकल लैब है, क्लास वगैरह है। और ये भी लैब है, इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट लैब, वो इस साइड क्लास है। क्लास में काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, फिलहाल कुछ प्रैक्टिकल वगैरह चल रहा है। तो आप लोग को आगे का व्यू दिखाते हैं और आगे चलते हैं। ये मेरा सेकंड क्लास है, इसमें भी ये प्रैक्टिकल वगैरह चल रहा है। और चलिए हम आप लोगों को आगे लाइब्रेरी वगैरह भी दिखाते हैं, हमारे कॉलेज में किस तरह का लाइब्रेरी है और क्या क्या वहाँ पर उपलब्ध है। तो देखिए कुछ बच्चे आगे जाते हुए लाइब्रेरी की ओर, तो चलिए आप लोग को लाइब्रेरी दिखाते हैं कि लाइब्रेरी का व्यू कैसा है और क्या क्या यहाँ पर उपलब्ध है। तो लाइब्रेरी फ़िलहाल तो ओपन है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं लाइब्रेरी को। तो ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पे ड्राइंग रूम शायद ओपन होगा तो हम आप लोग को दिखाएंगे कि आगे अंदर का क्या व्यू है। तो ड्राइंग रूम चलिए ओपन है, हम देखते हैं अंदर का क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। चलते हैं अंदर। ये देखिए ड्राइंग रूम आप लोग को दिखा रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है, ये कार्डबोर्ड भी उपलब्ध है यहाँ पे, और ये टेबल वगैरह भी लगा हुआ है। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं लाइब्रेरी के, क्या क्या चीज़ उपलब्ध है। यार लाइब्रेरी का साफ सफाई चल रहा है और इतना बड़ा हम लोग का लाइब्रेरी है। और यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं, ये बुक वगैरह भी यहाँ पर उपलब्ध है सब कुछ का। चलते हैं आप लोग को आगे दिखाते हैं, कितने सारे बुक है देखिए यहाँ पे। और आप लोग को आगे दिखाते हैं, इस साइड भी शायद बुक वगैरह ही है, साइड भी बुक है और इधर भी बुक है। यहाँ पे देखिए सर और मैम है हमारे, यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को, देखिए इतने सारे बुक हैं, स्टोर लगे हुए हैं, बुक वगैरह भी सब तरह का बुक उपलब्ध है। तो देख सकते हैं आप लोग हमारे कॉलेज का लाइब्रेरी कितना बड़ा है। और यहाँ पे कुछ बच्चे जो पढ़ाई भी कर रहे हैं शायद, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी, यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह भी उपलब्ध है। और देख सकते हैं कुछ बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। और इधर का व्यू आप लोग देखिए, हमारे सर हैं, पढ़ाए हैं, यहाँ पर मैम है जो लाइब्रेरी में बैठती है शायद। चलिए तो आप लोग को आगे दिखाते हैं, आगे का व्यू क्या है। यहाँ पर भी, यहाँ पर ये रजिस्टर मेंटेन होता है शायद। आगे दिखाते हैं हम लोग का सेमिनार हॉल और कुछ भी है जो आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे तो आपको पता ही है कि ये सीढ़ी है, तो एचओडी ऑफिस है यहाँ पे, डिपार्टमेंट एचओडी सब कुछ यहाँ पे बैठते हैं। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग, एचओडी का अलग अलग यहाँ ऑफिस होता है। और आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पर हम लोग का सेमिनार हॉल है, चलिए आप लोग को सेमिनार हॉल का व्यू दिखाते हैं। तो चलिए आप लोग हम अंदर घुसते हुए, ये देखिए हमारे सेमिनार हॉल, यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह भी लगा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग को सेमिनार जो भी कुछ वगैरह होता है यहाँ पे ही होता है। तो चलिए फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये गर्ल्स कॉमन रूम है, यहाँ पे गर्ल्स लोग बैठकर अपना ये वगैरह करती है, आपस में वार्तालाप वगैरह। और ये लैब है, ये क्लास है, क्लासरूम है,
क्लासरूम अभी तो फिलहाल लाइव चल रहा है, ये तो खाली ही चल रहा होगा। और ये देखिए ये भी पूरा रूम खाली है, इसे एक दूसरा क्लासरूम है और यहाँ पे पूरा रूम में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। चलिए आप लोग को ऊपर वाला लास्ट फ्लोर पे चलते हैं, लेके ऊपर का क्या व्यू है और क्या कुछ है। यहाँ लिफ्ट है यहाँ पे, तो आप लोग को दिखाई है। तो चलिए थर्ड पे हम लिफ्ट से चलते हैं। तो देखिए मेरे मित्र साथ में जा रहे हैं, तो देखिए ये हमारा लिफ्ट है और ये हम लोग थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं। तो देखिए लिफ्ट का, तो हम लोग थर्ड पे पहुँच चुके हैं और आगे चलते हैं। हम लोग ऊपर पहुँच गए, ये लास्ट फ्लोर है यहाँ का। यहाँ का व्यू इस तरह का दिख रहा है, एक जैसे सभी फ्लोर एक जैसे ही हैं। तो आगे का आप लोग को दिखाते हैं, इधर वही है सब जो पीछे नीचे दिखाए थे, वही क्लासरूम वगैरह वगैरह सब यहाँ पे है। तो इधर का भी आप लोग का लास्ट व्यू दिखा देते हैं, इधर भी क्लासरूम ही है और बाथरूम वगैरह तो आप लोग देख चुके थे। ये हमारे कॉलेज का लास्ट फ्लोर है। चलिए यहाँ से हम अपना ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग।